गजब। इसीलिए आप सब ये बना हुआ गाड़ी ना। बाप रे बाप, इस शराब तस्कर को आप देखिएगा तो हैरान रह जाइएगा। आविष्कार करने में सबसे आगे अगर कोई निकला है बिहार में तो वो है शराब तस्कर। नमस्कार, मैं हूं राजन कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। बक्सर में उत्पाद विभाग ने एक अजीबोगरीब मामले का खुलासा किया। आपको बता दें कि एक गाड़ी को स्पेशल शराब तस्करी के लिए अत्याधुनिक बनाया गया है। यह अत्याधुनिक इसलिए क्योंकि बिहार में शराब बेची जा सके, बिहार में शराब लाया जा सके, जिसको लेकर हाईटेक बनाया गया गाड़ी को। यानी अब साफ कह सकते हैं कि बिहार में शराब तस्कर भी आविष्कार कर रहे हैं। एक से एक आविष्कार आपको मैंने दिखाया, लेकिन यह आविष्कार आप देखकर दंग रह जाइएगा। देखिए वीडियो। बक्सर जिले में उत्पाद विभाग ने दो ऐसे वाहनों को पकड़ा है, इसको शराब तस्करी के लिए स्पेशल तैयार किया गया था। शराब तस्करी के लिए लगाए गए दिमाग के आगे पुलिस का दिमाग चकरा गया। वाहन के पौधान से लेकर छत तक शराब के लिए तहखाना बनाया गया। तहखाने में एक बार में 2 लाख रुपए की शराब भरी जाती है। इसे आसानी से यूपी से बिहार में बेचने के लिए कार्य करता था। हालांकि सटीक गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग को बड़ी सफलता मिली है। दोनों कार के अलावा तस्कर की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। पुलिस अब कार नंबर के आधार पर मालिक के बारे में पता कर रही है। तो आपने देखा कि जो दो वाहनों को पकड़ा गया है उसे स्पेशल शराब तस्करी के लिए बनाया गया था और तहखाना ऐसा बनाया गया था ताकि किसी को भनक तक न लगे। लेकिन कहा जाता है ना, तू डाल डाल तो मैं पात पात। उत्पाद विभाग का साफ कहना है कि शराब तस्कर अगर डाल डाल है तो उत्पाद विभाग की टीम पात पात है, बिहार में शराब नहीं बिकने देंगे। लेकिन जिस तरीके से शराब माफियाओं नया हथकंडा अपना रहे शराब बेचने के लिए, तो कहा जा सकता है कि इससे बिहार में शराब तस्करी नहीं रुक सकती है। अगर आपको लगता है कि बिहार में शराबबंदी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और लगता है कि बिहार में शराबबंदी सिर्फ नाम की है और नाम के आधार पर शराब बिकती है तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।